बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमीडिएट के इम्तहान के हवाले से और उसके अपडेट के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से जारी की गई आज की नई डेट शीट के बारे में और उसमें होने वाले एग्जाम्स के बारे में। बहुत ही अहम अपडेट है, इसमें लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा ताकि किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेट शीट को और फिर उसमें जो अहम बात है, बहुत ही ज़्यादा अहम बात है और ये तमाम बच्चे, चाहे वो फेलियर्स हों, चाहे वो इम्प्रूवमेंट वाले हों, चाहे वो फ्रेश इम्तहान देने वाले बच्चे हों, वो तमाम इस अपडेट को, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसलिए कि इसकी एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अहम है, एक एक बात बहुत ज़्यादा अहम है। ऐसा ना हो कि आप किसी कन्फ्यूजन का शिकार हों और बाद में इसमें वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसलिए कि इसमें इम्तहान के हवाले से, आपके कोर्सेज के हवाले से, इम्तहान अपडेट्स के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इसमें मैसर आ सकती हैं और आती रही हैं और आती रहेंगी इंशाल्लाह। इस चैनल को बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम होता है। तो हम डेट शीट को पहले जिक्र कर लेते हैं। डेट शीट जो आपकी आई है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची कंसोलिडेटेड डेट शीट ऑफ एचएससी पार्ट टू फेलियर्स एंड इम्प्रूवर्स, ये सबसे पहली अहम बात है और ये आपको नजर में रखनी है, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रेस रिलीज के साथ। ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन 2023 फर्स्ट फेज है ये, इसके बाद अगर सेकंड थर्ड जो भी फेज होगी जितने भी, मकसद ये कि इसके बाद मजीद फेज आएंगे। आपका एग्जाम किस फेज में होने वाला है ये आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लिहाजा इस वीडियो में लास्ट तक रहें ताकि किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, आम खान किसी भी कहना चाहिए कि मुश्किल का शिकार हो। ठीक है, साइंस के भी पेपर्स हैं इसमें, होम इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, ठीक है, रेगुलर प्राइवेट तमाम ह्यूमैनिटीज़ के भी, यूँ कहें कि तमाम फैकल्टीज हैं इसमें रेगुलर प्राइवेट के साथ। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा रेगुलर प्राइवेट ग्रुप डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन स्पेशल स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, मीन्स के तमाम ग्रुप्स हैं, रेगुलर प्राइवेट हैं, इम्तहान इसमें फर्स्ट फेज है और फेलियर्स और इम्प्रूवमेंट वालों का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेट शीट के हवाले से। ठीक है, तो पहली जो डेट है, पहला पेपर जो है वो आपका 30 तारीख को है, मई की, ठीक है, और ये होगा आपका जूलॉजी का पेपर होगा सेकंड, ठीक है, पेपर टू मीन सेकंड ईयर का पेपर होगा प्री मेडिकल वालों के लिए। बाकी कॉमर्स के रेगुलर प्राइवेट और ह्यूमैनिटीज़ के रेगुलर प्राइवेट जो बच्चे हैं उनके लिए वो अपना अपना सब्जेक्ट देख लें। इस्लामिक एजुकेशन होगा, ठीक है, कंपल्सरी, और सिविक्स होगा, अखलाकियात होगा नॉन मुस्लिम्स के लिए। टाइमिंग्स का आपने खास ख्याल रखना है, टाइमिंग्स आप ज़रूर देख के जाएँ, या थोड़ा सा मेरे सामने ब्लर आ रहा है लेकिन आई थिंक ये जो है एग्ज़ाम आपका 9 से 11 बजे तक का, ठीक है, और दूसरा जो कॉमर्स का जो है और ह्यूमैनिटीज़ का जो है वो 2 से 4 बजे तक का है। तो जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो टाइमिंग्स स्प्रेडशीट में ज़रूर सही से देखें, ठीक है, और टाइमिंग्स का खास ख्याल रखें। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि जो साइंस के जो पेपर्स हैं वो मॉर्निंग में हैं, 9 बजे से शुरू होंगे 11 या 12 बजे तक, और ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के जो पेपर्स हैं वो 2 बजे से शुरू होंगे 4 या 5 बजे, ठीक है। नेक्स्ट पेपर आपका 31 तारीख को है, ठीक है, उर्दू कंपलसरी का, ठीक है, उर्दू ईजी का, उर्दू नॉन मदर, अच्छा, ठीक है, तो ये साइंस और होम इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और बाकी ये कि कॉमर्स और रेगुलर प्राइवेट का जो है वो पी ओ सी का पेपर होगा, पेपर 1, ठीक है, और स्पेशल स्टूडेंट्स का डी पी का भी आपके सामने आ रहा है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। साथ साथ आपके स्लाइड चल रही होगी तो स्लाइड को भी आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह सामने आ जाएगा। उसके बाद 1 जून को जो है वो आपका पेपर 2 है उर्दू कंपलसरी का, ठीक है, साइंस और होम इकोनॉमिक्स के लिए, जबकि कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट का जो है पी एस सी का पेपर 2 है, ठीक है। अच्छा, 2 जून का आपका इस्लामिक एजुकेशन का पेपर है साइंस एंड होम इकोनॉमिक्स का, 2 घंटे का पेपर होगा ये,
और सिविक्स का है, आई थिंक साइंस का जो है वो इस्लामिक एजुकेशन का है, और होम इकोनॉमिक्स का सिविक्स का, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर है वो ह्यूमैनिटीज का है, यानी आर्ट्स वालों का है जो प्राइवेट, ठीक है। डेट शीट अच्छी तरह समझ लीजिएगा और अपने आपके जो जो पेपर्स हैं उन पर निशान लगाइएगा, ठीक है। पहले पूरी डेट शीट अच्छी तरह देख लीजिएगा ताकि कोई भी सब्जेक्ट आपका जो मिस ना हो और मिक्स भी ना हो, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तमाम फैकल्टीज में, तो किस फैकल्टी का वो पेपर, जैसे पाकिस्तान स्टडीज है, ह्यूमैनिटीज का कब है, साइंस का कब है, कॉमर्स का कब है, फिर आपको खुद देखना होगा, खुद देखना होगा। मैं बता भी रहा हूँ लेकिन इसको अच्छी तरह समझ के निशान लगा, ठीक है। उसके बाद 2 जून का आपका पेपर है इस्लामिक एजुकेशन का, साइंस वालों का, और होम इकोनॉमिक्स का सिविक्स वालों, होम इकोनॉमिक्स वालों का जो है सिविक्स का, पाकिस्तान स्टडीज जो है ह्यूमैनिटीज रेगुलर प्राइवेट का। 3 जून को केमिस्ट्री का पेपर 1 है, साइंस प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के लिए, केमिस्ट्री 2 आवर्स का है होम इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सिविक्स पेपर 1 और सोशियोलॉजी पेपर 1 ह्यूमैनिटीज का है, यानी जिसका जो है, ठीक है, रेगुलर प्राइवेट पेपर। उसी तरह स्टेट्स का पेपर 1 और नर्सिंग का पेपर 1 है, ये भी ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, ये मिक्स नहीं करिएगा ऐसा ना कॉमर्स वाले समझेंगे हमारा है, तो यहाँ स्टेट्स का जो पेपर है ये ह्यूमैनिटीज वालों का, और उर्दू नॉर्मल का पेपर 2 है स्पेशल स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है 4 तारीख को संडे है, 5 तारीख को आपका पेपर है फिजिक्स पेपर 2 साइंस ग्रुप के लिए, यानी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग दोनों के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन है होम इकोनॉमिक्स के लिए, और इंग्लिश कंपलसरी जो है नॉर्मल है, ये एडवांस है, ये कॉमर्स वालों के लिए। स्पेशल स्टूडेंट्स का इस्लामिक स्टडीज का पेपर 2 है। 6 जून को आपका मैथमेटिक्स का पेपर आ रहा है, पेपर 1 फेलियर्स का, ठीक है, साइंस एंड प्री इंजीनियरिंग का, उर्दू कंपलसरी जो है, उर्दू के जितने भी पेपर हैं आपके सामने आ रहे हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर है, तो ये कॉमर्स वालों का, ठीक है। उसके साथ साइंस ऑफ मूवमेंट जो है DPE वर्क है पेपर 2 है। पेपर 2 याद रखें कि सेकेंड ईयर के पेपर होते हैं, पेपर 1 फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं, इस चीज़ का जहन रखिएगा, कुछ कन्फ्यूजन ना हो। 7 तारीख को 7 जून का आपका बॉटनी का पेपर है पेपर 2 साइंस वालों का प्री मेडिकल का, कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 है साइंस जनरल का, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का होम इकोनॉमिक्स का, सिविक्स पेपर 2 या सोशोलॉजी पेपर 2 ह्यूमैनिटीज वालों का, स्टेट्स पेपर 2 नर्सिंग पेपर 2 ह्यूमैनिटीज वालों का, ठीक है, ह्यूमैनिटीज रेगुलर वालों का, ओके, इससे पहले जो रेगुलर प्राइवेट दोनों का है, और इंग्लिश जो है वो नॉर्मल पेपर 2 है स्पेशल स्टूडेंट्स, ठीक है। 8 जून को आपका पेपर 1 है फिजिक्स का साइंस वालों का, और होम इकोनॉमिक्स वालों का फिजिक्स का है 2 आवर्स वालों का, कॉमर्स वालों का जो है वो इंग्लिश कंपलसरी है, चाहे वो नॉर्मल हो या एडवांस हो, पेपर 1, ठीक है। इंग्लिश नॉर्मल पेपर 1 जो है वो स्पेशल स्टूडेंट्स का है, रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो DPE वालों का। उसके बाद 9 जून को आपका बायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी का पेपर है होम इकोनॉमिक्स का, बिजनेस मैथ्स का पेपर 1 है कॉमर्स एंड रेगुलर का, ठीक है। एजुकेशन पेपर 1 फेलियर्स वालों का, या इस्लामिक हिस्ट्री पेपर 1 फेलियर्स वालों का, या ह्यूमैनिटीज वालों का, आर्ट्स वालों का जो रेगुलर है या प्राइवेट है, और ज्योग्राफी, ठीक है, आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स या ब्रेल का पेपर जो है 1 वो ह्यूमैनिटीज वालों का है, ठीक है। तो ये 9 तारीख तक आपके पेपर हो गए। 10 तारीख को जो आपका पेपर है वो केमिस्ट्री पार्ट 2 का है, तो ये आप निशान लगाते जाए, बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसमें कन्फ्यूजन आपको बहुत हो सकती है, तो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए आपके साथ बहुत ज़रूरी है। लाइन्स लगी हैं डेट शीट में, उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये केमिस्ट्री का खाना जो है वो साइंस वालों का है, इसमें स्टेट्स का खाना जो है कॉलम जो है वो साइंस जनरल वालों का है, फैमिली रिलेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का होम इकोनॉमिक्स का है, पाकिस्तान स्टडीज का जो है कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट वालों का, उर्दू नॉर्मल जो है स्पेशल स्टूडेंट्स का, क्लास में एक और है इसे दिख नहीं रहा, UDPE वालों, ठीक है। टाइमिंग्स मैं कह रहा हूँ कि नज़र में ज़रूर रखेंगे। संडे है 11 तारीख को, 12 को आपके पास साइंस वालों का पेपर है वो बॉटनी पेपर 1 है, साइंस जनरल का कंप्यूटर साइंस पेपर 1 है, होम इकोनॉमिक्स अप्लाइड आर्ट्स है, कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट का अकाउंटिंग पेपर 2 है, और स्पेशल स्टूडेंट्स का पाकिस्तान सीरीज का कंपलसरी है। अब ये याद रखें कि यहाँ पाकिस्तान सीरीज और किसी फैकल्टी का नहीं, स्पेशल स्टूडेंट्स का, तो ये आपको
नज़र रखना, पाकिस्तान सीरीज इसमें कई बार आएगा, जिस तरह और भी सब्जेक्ट्स में हैं वो कई बार आ सकते हैं। 13 तारीख को जून के आपका इंग्लिश कंपलसरी का नॉर्मल पेपर 2 है साइंस एंड होम इकोनॉमिक्स के, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हो या एडवांस, ठीक है। अकाउंटिंग का पेपर 1 है फेलियर्स वालों के लिए, कॉमर्स का, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज पेपर 1 है स्पेशल स्टूडेंट्स का, और साइंस ऑफ मूवमेंट का पार्ट 5 है डी पी ई वालों के, ठीक है। 14 तारीख को जून की आपका जूलॉजी का पेपर 1 है प्री मेडिकल के लिए, और उर्दू नॉर्मल हो ईजी हो, ठीक है, तो ये जो है कॉमर्स का पेपर होगा रेगुलर, ये प्राइवेट का, सिंधी भी हो सकता है इसमें, तो ये भी नज़र में रखें। और हेल्थ इसी तारीख को हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पेपर 2 जो है वो स्पेशल स्टूडेंट्स का होगा, और डी पी ई वालों का हेल्थ एजुकेशन पेपर 6 होगा। 15 तारीख को जून के स्टेट्स का पेपर 1 होगा साइंस जनरल के लिए, साइंस जनरल के लिए नॉट कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन पेपर 2 होगा ह्यूमैनिटीज के लिए या इस्लामिक हिस्ट्री पेपर 2 होगा ह्यूमैनिटीज के लिए, ज्योग्राफी का पेपर 2 होगा या आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स होगा ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है, ब्रेल का पेपर 2 होगा ह्यूमैनिटीज के लिए, 2-3 पेपर हैं लाइन से आप पहचान सकते हैं। अच्छा, 16 जून को आपका पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होगा 2 घंटे का, ये होगा साइंस और होम इकोनॉमिक्स के लिए। स्टेट्स का पेपर 2 होगा कॉमर्स के लिए, और आउटलाइन होम इकोनॉमिक्स पेपर 2 स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। 17 जून को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 1 होगा फेलियर्स के लिए साइंस जनरल, ठीक है, तो ये याद रखना कि इकोनॉमिक्स का ये पेपर साइंस जनरल के लिए नॉट फॉर कॉमर्स। मील मैनेजमेंट फूड प्रिजर्वेशन होम इकोनॉमिक्स वालों के लिए, पी ओ ई का पेपर 1 होगा कॉमर्स के लिए, और फाइन आर्ट्स का पेपर 1 होगा स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। संडे को छुट्टी है आपकी 18 तारीख को, 19 को दोबारा मैथ का पेपर 2 होगा साइंस प्री इंजीनियरिंग जनरल साइंस दोनों ग्रुप्स के लिए, ठीक है। होम मैनेजमेंट का पेपर होगा होम इकोनॉमिक्स के लिए, उर्दू का पेपर 2 होगा ईजी नॉर्मल कोई सा भी, इसी तरह हिस्ट्री भी हो सकता है ह्यूमैनिटीज के लिए, सिंधी भी हो सकता है, तो ये आपने सारे नज़र में रखने हैं कॉलम वाइज, इस चीज़ को जरूर देखना। 20 जून को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है पेपर 2 ह्यूमैनिटीज रेगुलर प्राइवेट के लिए, फाइन आर्ट्स का पेपर 2 है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 21 जून को आपका इकोनॉमिक्स पेपर 1 फेलियर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज रेगुलर प्राइवेट, इस्लामिक स्टडीज पेपर 1 भी हो सकता है, और जनरल हिस्ट्री पेपर 1 भी, ये तीनों ह्यूमैनिटीज रेगुलर प्राइवेट के लिए हैं, और साइकोलॉजी पेपर 1 जो है वो ह्यूमैनिटीज रेगुलर का है, ठीक है। 22 तारीख को इंग्लिश कंपलसरी नॉर्मल पेपर 1, ठीक है, यानी इंग्लिश के जितने भी पेपर हैं पेपर 1 साइंस और होम इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। ह्यूमैनिटीज का जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स पेपर 2 होगा या जनरल हिस्ट्री पेपर 2 होगा या इस्लामिक स्टडीज पेपर 2 होगा, साइकोलॉजी पेपर 2 जो है वो ह्यूमैनिटीज का रेगुलर का होगा इस तारीख, ठीक है। और यहाँ जो है एक और पेपर भी है आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स पेपर 1 जो है वो स्पेशल स्टूडेंट्स का है इस तारीख, ठीक है। 23 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर 2 होगा साइंस जनरल के, ठीक है। फैमिली क्लॉथिंग प्रॉब्लम्स जो है होम इकोनॉमिक्स के लिए, फाइन आर्ट्स पेपर 1, लॉजिक पेपर 1, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पेपर 1, कंप्यूटर साइंस पेपर 1, लाइब्रेरी साइंस पेपर 1, ये तमाम जो ह्यूमैनिटीज रेगुलर के हैं, जो भी पेपर होगा जिसका जो भी जिसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्लैश नहीं होंगे इस बात का आप थोड़ा सा अंदाजा रखिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस पेपर 2 जो है वो स्पेशल स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद 24 को आपका कमर्शियल ज्योग्राफी पेपर 2 होगा कॉमर्स वालों के लिए, फाइन आर्ट्स पेपर 2 होगा, लॉजिक पेपर 2 होगा, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन पेपर 2 होगा, कंप्यूटर साइंस पेपर 2, लाइब्रेरी साइंस पेपर 2, ये सब ह्यूमैनिटीज के लिए, और कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 होगा स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड लास्ट पेपर आपका संडे के बाद 25 तारीख को 26 का है 26 तारीख को है, और वो है उर्दू एडवांस का पेपर 1, ठीक है, या अरबिक पेपर 1, पर्शियन पेपर 1, सिंधी पेपर 1, इंग्लिश इलेक्टिव पेपर 1, मैथ पेपर 1, ये सब ह्यूमैनिटीज रेगुलर प्राइवेट के, जबकि इस्लामिक एजुकेशन जो है 2 घंटे का स्पेशल स्टूडेंट्स का होगा। लास्ट पेपर जो है वो आपका 27 तारीख को है उर्दू एडवांस पेपर 2, ठीक है, अरबिक पेपर 1, पर्शियन पेपर 1, यानी लास्ट जो है वो आपका सबका ह्यूमैनिटीज का पेपर है। अब हम आ जाते हैं मेन बात की तरफ, ठीक है, प्रेस रिलीज जो हुई है, लेकिन प्रेस रिलीज की तरफ जाने से पहले एक बात मैं ये आपको बता कि
मेरे चैनल जी के एजुकेशन पर आप जरूर विजिट करें। आप इम्तहान की तैयारी के हवाले से तमाम गेस्ट पेपर्स अपलोडिंग हैं, साइंस के, कॉमर्स के और जनरल के भी मैंने कुछ पेपर्स डाले हैं, तो उनको ज़रूर विजिट करें, ठीक है। और गेस्ट पेपर्स की तैयारी करें, उन वीडियोज़ को मुकम्मल देखें, मैंने पूरा तरीक़ेकार समझाया कि ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं तैयारी करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई कॉन्टेंट आपको नहीं मिलता है तो आप मेरी वेबसाइट है khanzi.weebly.com, उस पर ज़रूर विजिट करें। जी के एजुकेशन के ऐप पर आपको बहुत सारा कॉन्टेंट तैयारी के हवाले से मिल जाएगा। प्रेस रिलीज क्या कह रही है आज की, ये आला सामी तालीमी बोर्ड कराची ने पहले मरहले में इंटरमीडिएट हिस्से दोम के तमाम ग्रुप्स के सालाना इम्तहान बराए 2023 की तारीखों का ऐलान कर दिया, ठीक है। तो पहला मरहला जो है वो अच्छा सालाना इम्तहान इंटर बोर्ड की जानब से जारी करदा इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस जनरल, होम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट, आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट खसूसी उम्मीदवारों और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के इम्तहान बरोज मंगल 30 मई 2023 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, जो बरोज मंगल 27 जून 2023 तक जारी रहेंगे। वाजह रहे कि इंटरमीडिएट के खसूसी उम्मीदवारों के हिस्से दोम के इम्तहान पहले मरहले में लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बात याद रखें कि ये जो हैं खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जो खसूसी उम्मीदवार हैं। आला सानी तालीम बोर्ड के मुताबिक इंटरमीडिएट के फेल शुदा तलबा स्पेशल चांस इम्प्रूवमेंट ऑफ डिवीजन ग्रेड 12 पर्चों के तमाम उम्मीदवार इम्तहान में शरीक होंगे। ये गौर से सुनिए, आला सानवी तालीम बोर्ड के मुताबिक इंटरमीडिएट के फेल शुदा तलबा स्पेशल चांस वाले इम्प्रूवमेंट वाले, ठीक है, और 12 पर्चों यानी जो तमाम में फेल थे के तमाम उम्मीदवार इम्तहान में शरीक होंगे। इंटरमीडिएट के इम्तहान का शेड्यूल इंटर बोर्ड की वेबसाइट और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। इंटरमीडिएट के हिस्से अव्वल फ्रेश के तमाम ग्रुप्स के इम्तहान दूसरे मरहले में लिए जाएंगे जिसकी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इंटरमीडिएट के हिस्से अव्वल फ्रेश के तमाम ग्रुप्स के इम्तहान जो हैं वो दूसरे मरहले में लिए जाएंगे। यहाँ हिस्से दोम के तमाम ग्रुप्स के जो हैं वो लिए जा रहे हैं पेपर, ठीक है। और उसमें आप देख सकते हैं कि ये तमाम पेपर जो हैं ये फेल शुदा स्पेशल चांस इम्प्रूवमेंट और डिवीजन वगैरह के बच्चों के लिए हैं। लिहाजा तैयारी आप इस हिसाब से अपनी शुरू कर दें, मीन्स कि जब ये शुरू होगा तो फ्रेश वालों की बारी भी जल्दी आ जाएगी। कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, पूरी डिटेल मैंने वीडियो में बता दी है कि इम्तहान 30 तारीख से किन के शुरू हो रहे हैं, किस कैटेगरी के शुरू हो रहे हैं, उसी हिसाब से तैयारी रखें। इंशाल्लाह।